सर मेरे क्वेरी ऐसा था कि जैसे आपने वेल्थ ये था आ, एवरेज लेवल्स के रिलेटेड जैसे फर्स्ट मंथ में एवरेज लेवल्स के आपने लेवल्स दिए थे एफ सी डब्ल्यू जेड थ्री ऐसे कुछ लेवल्स दिए थे जहाँ पे हम एवरेज आउट करते हैं तो वहाँ पे हम आपने कहा था कि फर्स्ट की पहले अपने को पता होना चाहिए कि वो बुल हाउस में है या बियर हाउस में है तो आ, हमको कैसे पता चलेगा सर कि फर्स्ट मंथ में वो बुल हाउस में है मैं आई थिंक ऑडियो में एक्सप्रेस भी यही करा है मैं दोबारा एक्सप्रेस करता हूँ कर कि बुल हाउस और बियर हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने उसको एवरेज करना है या नहीं करना मगर बुल हाउस और बियर हाउस हम लेवल एट लेवल नाइन की बात है जिसको हम शायद तब तक ऑटोमेट भी कर देंगे तो यहां पे मैं ये नहीं बता रहा कि एवरेज कैसे करना है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं माइंड थॉट प्रोसेस के हिसाब से कि हम एवरेज करने के लेवल्स हमारे कौन कौन से डिफाइंड रहते हैं दिमाग में और हम उन लेवल्स पे एवरेजिंग करते हैं प्रोवाइडेड वो बुल के घर में है या बियर के घर में नॉर्मली नॉर्मली मार्केट में लोग कैसे एवरेज करते हैं नॉर्मली मार्केट में चार पांच परसेंट टूटा एवरेज कर लेते हैं या किसी फोन पे बात किया टूट गया तो कोई है यार, हमने, <laughs> हमने रिलायंस खरीदा रिलायंस पांच परसेंट टूट जाता है तो हम एवरेज कैसे करते हैं लाख रुपए और लगा देते हैं तो पहला सवाल ये होता है लाख रुपए कैसे डिसाइड किया कि रिलायंस अंदर लाख रुपए लगाना है भाई आपके पास हो सकता है पांच लाख हो विनोद सर के पास लाख हो अब एक लाख रुपए विनोद सर ने लगाना या आपने, तो आपने साइंटिफिक होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर पहली बार गलती होगी और जब एवरेज करना पड़ेगा तो एवरेज में भी आपको वही अमाउंट दोबारा लगाना पड़ेगा तो दूसरी गलती लोग क्या करते हैं एवरेजिंग का कोई साइंटिफिक फिर लेवल नहीं होता तो हमने यहां पे ये कहा कि वन बाय वन ट्वेंटी वन बाय सिक्सटी वो साइंटिफिक है क्यों है क्योंकि उससे हम एक तरह से अपने पोर्टफोलियो का चार प्रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं फिर साथ में हमने ये भी डिफाइन कर रखा होता है कि हम एवरेज के लेवल कहां कहां करेंगे जो मैंने वीडियो ऑडियो वन में बताने की कोशिश करी जो फर्स्ट मंथ ऑफ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस गोल्ड में मैंने सिर्फ ये कहा कि ये नहीं कि सारे स्टॉक्स को हम एवरेज करते हैं सपोज कोई स्टॉक भूल के घर में है तो हम एवरेज करेंगे होल्ड करने के लिए बियर के घर में हम कहते हैं भूल जा भाई अपने को इसमें हाथ भी नहीं लगाना क्यों क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पैसा लगा के ब्लॉक करेंगे फायदा ही नहीं क्यों लगाना तो हम उसको छोड़ देते हैं जैसे कि अभी चार पांच परसेंट छह सात परसेंट के स्टॉक हमारे जो पुराने हैं हम कहीं पर फंसे हुए ऐसा नहीं है कि हम हंड्रेड परसेंट बच जाते हैं नब्बे परसेंट पता होता है मगर दस परसेंट हम भी फंस जाते हैं तो जहां पे दस परसेंट फंसे हैं तो हमें पता है पांच दस परसेंट जिस स्टॉक्स में हम फंसे हुए हैं हम उसको एवरेज नहीं कर रहे हैं। जब तक वो बुल के घर में नहीं आएंगे हम उसमें पैसा ब्लॉक ही नहीं कर रहे हैं। तो हम उस मामले में बच गए यही अगर हम बिना नॉलेज के कर रहे होते तो हम उसमें एवरेज करते 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 भाई साहब अपना पैसा सारा ब्लॉक कर देते तो कई लोग जिनका पोर्टफोलियो रिव्यू में करता हूं तो उनके जैसे स्टॉक्स नेगेटिव में होते हैं वो कहते सर इसका एवरेज कर लू मैं कहता हूँ भाई बी के घर में एवरेज कैसे करेगा क्या सर ऑलरेडी चार बार कर चुका हूं मैं फिर पहली फंसा हुआ है मेरे से पूछ रहा है पांच बार एक बार और, और कर लो तो कहता सर मैं मैं क्या करूं? मैं तो चार बार और लगा चुका फिर मैं उससे मजे लेने के लिए पूछता हूं किसके कहने पर लगाया तो कहता सर वो आप ऐसा मत करो वगैरह जो भी तो उससे मैं ये पर्पज पे आना चाहता हूं कि साइंटिफिकली हम कुछ नहीं कर रहे ना पहली अमाउंट कितनी लगानी है ना वो एवरेज कब करना है ना वो फिर एवरेज कितनी बार करना है ना वो क्योंकि आपको दिमाग में यह भी फाइनल करना पड़ेगा ना भैया किसी स्टॉक में तीन परसेंट लेना दो परसेंट लेना, है, 2 लेना है, कितना पंगा लेना उस स्टॉक के साथ ये साइंटिफिकली हम यहाँ पे करते हैं जिसका एक छोटा सा ऑडियो फर्स्ट मंथ में मैंने आपको सर ये पेश किया है कि भैया ऐसे अंदाधुन हम नहीं करते थे वेल्थ में हम बड़े साइंटिफिकली चलते हैं वो बताने की कोशिश